हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर मौजूद हैं हम आपके लिए आपकी इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की। तो बात हम लोग करने वाले हैं आज, जो पिछले चीज़ों के लिए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ जिक्र कर लूं। हमने नॉन पढ़ने का काम किया था, देखना उसमें हम लोग देखने का काम की कि बहुत सारी चीज़ें नाउन की कैटेगरी, नाउन के बारे में, नाउन को कैसे फाइंड आउट करना है, नाउन के एरर कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में किस तरह दे दिए जाते हैं, नाउन किस टाइप का हो सकते हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उस पर हमने ना एक एक चीज़ को समझने का हम लोग ने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको उस चीज़ को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप उसको घर में पढ़ें, रिवाइज करें और हमें बताएं, फिर उस पर हम लेकर आएंगे बातें को लेकर। बात करते हैं नाउन की, जिस तरह हम लोग ने नाउन को पहचानने का तरीका सीखा था, नाउन को सारे चीज़ें में पूरी ग्रामर की मैं बात कर लूँ, जितनी भी पूरी ग्रामर हमें पढ़नी है, जितने भी टॉपिक हमको कवर करना है आपके साथ मिलकर, सारे के सारे में नाउन की हमेशा बात होती है हर जगह। मैं किसी भी चैप्टर का अगर बात कर लूँ, उस जगह आपको नाउन का जिक्र करना हमारा फ़र्ज़ है और नाउन की कैटेगरी आती रहती है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जिस तरह हम लोगों ने बहुत खूबसूरत चीज से नाउन को समझने का पढ़ने का काम किया, आज फिर उसी के साथ नए टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं। तो आज हमारा नाम है देने का काम करते हैं, तो देखना है यहाँ पे। प्रोनाउन देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, मैंने आज नए चैप्टर का नाम देने का काम किया, प्रोनाउन। अब समझना ये है कि प्रोनाउन क्या होती है। जिस तरह हम लोग ने नाउन समझने के लिए एक एक चीज़ को समझने का काम किया था, आज उसी के लिए हम लोग नाउन के प्रोनाउन के बारे में समझने का काम करेंगे। कुछ करना नहीं है, बस आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन तैयार करने का काम करते हैं। तो क्या कहता है इसका डिफिनेशन? मैंने आपके सामने जो डिफिनेशन तैयार किया, आप पढ़ पा रहोगे, समझना इस बात को है कि प्रोनाउन होता क्या है, इसको ग्रामर ने क्या समझने के लिए हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन दिए हैं, कैसे पहचाना जाएगा एरर जब हमारे सामने दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो पहचानना कैसे है प्रोनाउन को, तो देखना है। जैसे हम मान लेते हैं, हमने इसका डिफिनेशन क्या दिया, ए वर्ड विच रिफ्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। गौर करना इस डिफिनेशन पे कि कोई ऐसा वर्ड, कोई एक वर्ड जो नाउन के जगह आता है, क्या होता है, नाउन की जगह आता है और नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। गौर करना है, थोड़ी सी बात हमारे यहाँ पे बदल रही है। जिस तरह हमने नाउन में चर्चा किया था, नाउन को समझने का काम किया था, उसी के जुड़वा भाई इसको हम बोल सकते हैं प्रोनाउन। तो गौर करना है कि आप देख पा रहेंगे कि अगर मैं प्रोनाउन को डिवाइड में अगर पार्ट बाय पार्ट तोड़ना चाहूँ, कहने का मतलब, तो मैंने आपको देख पा रहेंगे कि नाउन तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन अगर इस वर्ड पर मैं काम करूँ प्रो, देखना इस बात को। थोड़ी सी मैं चर्चा कर मैं बात कर लूँ, नाउन को मैं अभी थोड़ी सी के लिए अलग रखता हूँ और बात सिर्फ हम करेंगे प्रो की। तो यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग होती है के बदले, क्या होता है पढ़ने का आप लोग प्रयास करने हैं, के बदले। तो अब समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन पूरा पढ़ने से पहले अगर हम केवल प्रो के वर्ड पे चर्चा करें तो उसकी मीनिंग होती है के बदले। अब आप समझ में आओगे नाउन के बदले, अब समझ रहे होंगे नाउन के बदले। अब मतलब यहाँ पे क्या बनता है कि कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में अगर उसकी नाउन की जगह वो वर्ड को लाया जाता है, यानी नाउन को रिपीटेशन रोकने के लिए कोई वर्ड हम लाते हैं, वो वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है, इस बात को ग्रामर ने हमारा नामकरण दिया है प्रोनाउन। बहुत खूबसूरत चीज़ है प्रोनाउन, इसको समझने में बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखना है। अब इसके लिए हम लोग कुछ कहानी लिखते हैं, उस कहानी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखना होगा। आप जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आप आइडेंटिफिकेशन, किसी व्यक्ति के जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं या उसके बारे में आप स्पीच देते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में आप किसी से बताते हैं, तो उसका जिक्र आप मान लेते करते हैं, बोलते हैं आप
जब हम लोग किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे मान लेते हैं बोलते हैं सोहन एक अच्छा लड़का है, सोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, सोहन के अच्छे दोस्त हैं। अब आप पे देख रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम लोग इंट्रोडक्शन देने का काम किया, उसके बारे में जिक्र करने का काम किया, तो आप ठीक है कोई बात नहीं, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सारे की जगह आपको सोहन ही दिख रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या समझना है, सोहन अपने आप में क्या है, इस बात की चर्चा तो दिक्कत ही होनी चाहिए। सोहन अपने आप में नाउन है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हर बात जगह हम नाउन का ही रिपीट कर रहे हैं, यानी सोहन भी यहाँ आया तो सोहन भी यहाँ, यानी इसकी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही, इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जो वर्ड हम लाते हैं, जैसे यहाँ पे बोलते हैं वह, तो ये वर्ड अपने आप में जो वर्ड हमारा कहने का मतलब, अगर इंग्लिश हम इसका लिखना चाहे तो ही का हम जो जिक्र किया, ये ही जो हमारा सामने आया नाउन को रिपीटेशन रोकने के लिए, यही हमारा प्रोनाउन कहनाने के लिए काम करते हैं। इसी बात को हम लोग को खेला समझने के लिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी आपकी चर्चा कर ली ताकि आप ये समझ लें कि एक्चुअल में प्रोनाउन होती क्या है, तो बढ़ते हैं आगे देखना है। चलिए यहाँ तक बातें हमारी समझ में आ गई होगी आपको, अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखना है, जैसे मान लेते हैं अब प्रोनाउन के बारे में हमें क्या क्या सीखना है। तो पहला चीज़ हमारे सामने आता है प्रोनाउन में, हम लोग पहले मैंने हम लोग पढ़ने का काम करेंगे पर्सन। ये देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि पर्सन होती क्या है, पर्सन को ग्रामर ने कितने सेक्शन में बांट के रखा है और पर्सन को हम लोग पहचानने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखना है यहाँ पे कि पर्सन को 3 सेक्शन में बांटा गया, जो पहला नामकरण है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन की बात हम लोग करें तो हमारे सामने दो तरह का आता है, सिंगुलर और प्लूरल। देखना इस बात को, तो सिंगुलर की हम लोग जब बात करेंगे तो आई, और प्लूरल की बात कर लेते वी, कहना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी की दूसरी कैटेगरी होती है अब देखना है यहाँ पे जो हमने पर्सन का जिक्र किया, फर्स्ट पर्सन की बात कर ले तो सिंगुलर हमारा आई का जिक्र हुआ, प्लूरल की बात कर ले वी की बात हुई, सेकंड पर्सन बात कर ले तो सिंगुलर में हमें यू ही कहना बेटर होता है, अब प्लूरल अपने आप में तो यू होता ही है। अब यहाँ पे देखो कि पहले के ज़माने में इस वर्ड को सिंगुलर ग्रुप में यूज किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल करेंट ने हमारे ग्रामर राइटर ने इस बात को गलत माना गया और ऐसा आपको एग्जाम में दे दिया जाते हैं, तो सिंगुलर ग्रुप में आप इसको नहीं मानना है, सिंगुलर ग्रुप में आप यू ही कहिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमारा ही, सी, इट और नेम, जैसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इसी की चर्चा में प्लूरल में करूँ तो दे हमारा प्लूरल ग्रुप में यानी थर्ड पर्सन में आता है। ये सारे के सारे प्रोनाउन हमारे लागू होने वाले और सारा चैप्टर इसी चीज़ पे, इसी कंसेप्ट पे हमारा डिपेंड है। तो एक और कैटेगरी से हम लोग मिलते हैं, तो देखना है जो मैंने कुछ आपके सामने एक चार्ट बनाया है, आप गौर कीजिएगा कि देखना है। पहले देख पा रहे होंगे मैंने कुछ डिवाइड वाइज मैंने किया, पहला सेक्शन में आपका देख रहा है सब्जेक्टिव केस, इसी की चर्चा कर लूँ पॉजिटिव केस, आगे बढ़ने का काम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब समझना है कि सब्जेक्टिव केस में हमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो देख पा रहेंगे आई वी, ठीक है। अभी इसी के आई वी को बात कर लें तो फर्स्ट पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अब बात कर लें पॉजिटिव केस में, इसी की चर्चा कर लें माई, आवर, और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मी और अस, यानी वी का बना आवर, आवर से बना अस, समझ पा रहेंगे इस बात को। अब बात करते हैं यू की, ठीक है, तो हमारा ये सब्जेक्टिव किसके रूप में आता है, और जब इसी के हम पॉजिटिव किस बनाने का काम करें तो हमारे राइटर ने क्या बोला है, योर, क्या बोलना है, यू का। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव केस क्या होता है तो आपको हमेशा और हमेशा बोलना है कि पॉजिटिव केस यू का योर होता है, और इसी की चर्चा अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में करना चाहें तो यू ही होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ही, सी, इट, दे, देख पा रहे हो मैंने इसको थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा है, इसकी चर्चा मैंने भी कुछ देर पहले की थी। अब इसको मान लेते हैं ही की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव केस में क्या नाम हो सकता है, हिज बोल सकते हैं,
इसी के अगर ही के हम अगर ऑब्जेक्टिव केस में बोलना चाहें तो हिम हो सकता है, मान लेते सी का, तो सी का हमारा बना हर, इसी का हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो हर, ठीक है। इट का बना आपका इट्स, पॉजिटिव केस, इसी का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे की बात करें तो आपका पॉजिटिव केस देयर हुआ और आपका ऑब्जेक्टिव केस देम हुआ। मैं ये चीज़ें आगे बढ़ने से पहले इसका जिक्र मैं इसलिए यहाँ पे किया कि इस पूरी चैप्टर की कहानी जितनी भी चीज़ें हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा सारे के सारे एक पीछे यही कंसेप्ट मेरा काम करने वाला है पूरी चैप्टर में, इसी पर सारा चैप्टर इसी पर डिपेंड किया गया है प्रोनाउन को। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना ये हमारे लिए समझदारी है, चूंकि अगर इस चीज़ को अगर हमारे अगर ना समझा जाए तो पूरा चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल दिक्कत कर सकती है, परेशानी हो सकती है। तो परेशानी होने से बेटर है कि इस चीज को बहुत अच्छे से आप इसको देख घर में याद कर लें, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक जितने भी हमारे इससे रिलेटेड जुड़ता हुआ नजर आएगा ये सारे के सारे इसी पर डिपेंड करता है, इस बात को गौर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इसी से जुड़ता हुआ एक चीज, तो देखना है यह चीज। तो यहाँ तक बात आप लोग समझ होंगे, इस चीज़ को हमेशा घर में याद रखें, इसी पे सारा चैप्टर का हमारा खेला है। अब आपको देखना है कि एक जुड़ता हुआ कायदा क्या बनता है, क्या चीज़ें हमारे लिए ग्रामरियर बना के रखें उसको समझ लेते हैं। तो पहला कायदा हमारे सामने उभर कर आता है वर्ब। वर्ब की बात हम लोग करेंगे तो अभी मैं वर्ब क्यों लिखने का काम किया, मैंने इसके पहले ना इसके बाद कोई वर्ड की चर्चा नहीं की है, चूँकि वर्ब से कुछ लॉजिक जुड़ी हुई है तो पहले मैं उसको जिक्र कर लूँ। अगर मान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वो चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान इस बात को रखना है कि अगर वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन के सेंस में हमारा एरर दे दिया गया है तो वहाँ पे चेक करना है कि वर्ब के पहले अगर कोई भी हम प्रोनाउन की सेंस की बात कर ले तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस का जिक्र करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन के सेंस में हमारा एरर दे दिया जाएगा तो हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस के रूप में ही जिक्र करना है, और आने वाला जो भी इसके बाद होगा हमारा वर्ड इसके साथ रिलेट करेंगे तो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की बात ही होगा। ये प्रोनाउन के सेंस में ये कायदा हमारा बनकर आता है। फिर से इस बात को समझ लिया जाए, वर्ब के पहले अगर हम प्रोनाउन के सेंस में कोई एरर बनाने का काम करें तो हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस के ही रूप में आएगा, और वर्ब के बाद आने वाला जो भी हमारा होगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा। अब ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव क्या हो गई है ये तो मैं अभी जस्ट आपके सामने चर्चा किया, बस इसको घर में आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक गौर करने वाली बात है, ये तो हम लोगों ने समझ रखा, अब ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी सेंटेंस में चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो किसी भी सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक हो सकती है या एक से दो हो सकती है। गौर करना इस बात को, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक हो सकती है या एक से दो हो सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा जिक्र करेंगे सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा जिक्र करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो आइए इसके लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ध्यान देना है। जैसे तो देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, मैंने इस चीज़ के लिए कायदे के लिए दो एग्जांपल आपके सामने तैयार किए हैं, तो गौर करना है पहला एग्जांपल क्या बोलता है। द टीचर स्कोल्डेड आई, बात करते हैं। अब हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोनाउन का जिक्र किया है तो कुछ प्रोनाउन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिख पा रहा होगा। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैंने वर्ब का जिक्र किया तो वर्ब आपको सामने स्कोल्ड के यहाँ दूसरा प्लेटफॉर्म दिया गया है स्कोल्डेड यानी डांटा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ देख रहा है कि ये वर्ब के सेंस में आया है, पहला बात हमको आपने मैंने इन दोनों को लिखने से पहले वर्ब ही का जिक्र किया था, यहाँ पे वर्ब दिखा तो आपको चेक करना है कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आया है कि नहीं आया। तो आप देख पा रहे हैं कि टीचर अपने आप में बिल्कुल सब्जेक्टिव केस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी पहला बातें हमारे सामने मैच कर गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करना है, जब ये बातें हमारे सामने मिल ही गई है तो आगे हम देखने के काम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस।
तो अब देखना है कि वर्ब के बाद आने वाला यहाँ पे आई आया है, गौर करना इस बात को, आई तो आया है लेकिन क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है? बिल्कुल नहीं जी, ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मैं अभी इसी की चर्चा किया था आपके साथ मिलकर। तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बना लेने का, यानी यहाँ पे क्या कर लेंगे, मी कर लेना बेटर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे सामने एरर लॉन्ग हो या शॉर्ट हो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान आपको हमेशा इस पर करना है, इसी के बाद सारा चीज डिपेंड है। बढ़ते हैं आगे इसी एग्जांपल पे, तो क्या बोलता है, मी थिंक्स दैट हिम इज राइट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस सेंटेंस में वर्ब दिखना है। आप देख पा रहे होंगे अभी मैं बोला था कि पहला चीज तो यहाँ पे वर्ब थिंक्स मतलब होता है, थिंक मतलब वर्ब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी एक चीज देख पा रहे वर्ब, आपको इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना कि वर्ब चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, उस बात के लिए बड़ी बात नहीं है, हमें देखना है कि वो वर्ब आया है। और मैं बड़ा अभी भी इसी बात के जिक्र किया था कि किसी भी सेंटेंस में एक से वर्ब या दो से ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा चेक करना है कि वर्ब से पहले कोई वर्ड आया है तो क्या वो सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है। तो पहला चेक करते हैं, हमारे सामने पहला वर्ब मिला, तो यहाँ देख रहे हैं कि मी अपने आप में क्या है, गौर करना इस बात को, मैं अपने आप में एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है कि हम वर्ब से पहले हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस का जिक्र करते हैं, यानी आई कर लेना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। और बात करते हैं अगले वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, तो देख पा रहे वहाँ पर इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेक करना है कि इसके पहले कौन सी इसका जिक्र हुआ, ध्यान देना है कि हिम क्या है अपने आप में, देखना इस बात को, हिम अपने आप में क्या है। अभी मैं इसी की चर्चा किया था, हिम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि भी इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वर्ब से पहले हम जो भी जिक्र करने का काम करेंगे तो हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस यानी ही कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको समझने के लिए आप इसको घर में देखें, समझे, कोई दिक्कत नहीं वाली है। जो आज मैंने आपसे मिलकर चर्चा किया उसको घर में आप देखें, उसको अपने माइंड में उतारें और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ को, इस कहानी को आज तक यही रोकते हैं आपके लिए, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।